इसके बाद हम पढ़ेंगे पाठ आठ विशेषण, जिसको इंग्लिश में हम एडजेक्टिव भी कहते हैं, जिसे आपने पढ़ा होगा। अब इसको जानने के लिए सबसे पहले परिभाषा को पढ़ेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे, यानी किसी उसके किसी के गुण के बारे में बताए, किसी की क्वालिटी के बारे में बताए, उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे एक घना जंगल था, वहाँ से एक लंबी सड़क निकलती थी, वहाँ अनेक जंगली जानवर थे, जंगल में कुछ हरे पेड़ छायादार थे, गरीब लोग सूखी लकड़ी एकत्र करने हर दिन आया करते थे। देखो ये देखो पिक्चर में है ना, उसी की एग्जांपल बता रहा है। अब इस जंगल में जंगल कैसा था, घना, ये हमारी जंगल की विशेषता बता रहा है। उसके बाद वहाँ से एक लंबी सड़क, कैसी सड़क निकलती थी, लंबी, तो लंबी हमारी विशेषता बता रहा है जंगल की, तो इसलिए हमारा ये विशेषण हुआ। जंगली जानवर रहते थे, कैसे जानवर रहते थे, जंगली, तो जंगली हमारी क्या हुआ, विशेषण। उस जंगल में कुछ कैसे पेड़ थे, हरे छायादार, तो पेड़ थे लेकिन कैसे थे, हरे छायादार हमारे विशेषण में आते हैं। गरीब लोग, कौन से लोग सूखी लकड़ियां एकत्र करने जाते थे, गरीब लोग, तो ये गरीब और सूखी लकड़ी, और ये हर दिन जाते थे, ये सारी हमारी विशेषता बता रहे हैं, तो हमारी ये विशेषण हुआ। अब विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। अब हम इसको सबसे पहले गुणवाचक विशेषण इसके बारे में पढ़ेंगे। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था और स्थान आदि को प्रकट करता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कैसे कहते हैं। अब जैसे ये किसी व्यक्ति के बारे में, उसके जो भी गुण हैं उसके अंदर, उसके बारे में बता रहा है। जैसे यह सुंदर लड़की है, यह लड़की कैसी है, सुंदर है, तो इसकी गुण में क्या हुआ, सुंदर लड़की। यह मीठा आम है, यह बच्चा आम खा रहा है, लेकिन आम कैसा है, मीठा, तो इसके गुण, आम के गुण गुण में क्या हुआ, मीठा। ऐसे ही जैसे कोई बच्चा होशियार है, तो हम कहते हैं ना वह बच्चा बहुत होशियार है, तो बच्चा कैसा है पढ़ने में, होशियार, होशियार हमारी इसकी एक बच्चे की क्वालिटी दिखती है, जिसे हम विशेषण कहते हैं। अब इसमें कई है, देखो रंग में काला, नीला, पीला आ जाता है, गुणों में अच्छा, बुरा, सुंदर, मीठा, शरारती, नटखट, जो भी है, लंबा, गोल, की तिकोना, ये सारे हमारे गुण, मतलब उस उनके गुणों के बारे में हमें एग्जाम्पल के द्वारा पता लगता है। अब दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्या के आधार पर संज्ञा या सर्वनाम आदि की विशेषता प्रकट करने वाले को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो, इस पेड़ के नीचे 5 आदमी, 2 घोड़े, 4 लड्डू, यानी इस पेड़ के नीचे हमें काउंटिंग करके हम पता कर सकते हैं ना, संख्या मतलब अंक, अंकों के द्वारा उसकी जानकारी करना, तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 ही बंदे बैठे हुए हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि 5 आदमी हैं, 2 घोड़े दौड़ रहे हैं। अब इसी तरह हम आते हैं थर्ड नंबर पे, परिमाणवाचक विशेषण। मापतौल के आधार पर विशेषता बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण मतलब किसी चीज़ की नापतौल, हमें पूरी जानकारी जैसे हो जाए, जैसे 2 किलो चावल, 100 ग्राम सोना, 2 मीटर कपड़ा, अगर हम कोई सामान लेने जाते हैं तो हमें उसकी क्वांटिटी पता होनी चाहिए ना, हमें क्या लेना है, तो परिमाण मतलब हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। राम दुकान से 2 किलो चावल लाया, अब हमारा ये 2 किलो चावल हमारा परिमाण बता रहा है, जिससे हमें परिमाणवाचक विशेषण के बारे में ज्ञान होता है। उसके बाद आता है चौथे नंबर पर संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा से पहले अगर कोई सर्वनाम आ जाता है, सर्वनाम अभी हमने पढ़ा है ना, जो आगे किसी नाम, जगह के जगह के स्थान पर हम वह, उसको, उनको, तुम, तुम्हारे, ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो सर्वनाम होता है। तो उस संज्ञा से पहले अगर कोई सर्वनाम शब्द आ जाता है, तो वह सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताने के कारण सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे देखो, वह बालक सुंदर है, अब सर्वनाम में मतलब इस बालक का नाम इसे पता नहीं, तो उसकी जगह पे सर्वनाम कैसा है, सुंदर है, तो यहाँ पे
ये दोनों चीज़ें हमारी संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण के रूप में बता रहा है। यह घोड़ा तेज है, यह घोड़ा तो है लेकिन यह इस घोड़े को यह के रूप में सर्वनाम बता दिया और तेज है, कैसा है, तेज है, तो तेज हमारा विशेषण के बारे में जानकारी दे रहा है। थैंक यू।